एक वन्यजीव विशेषज्ञ का फेसबुक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल उन्होंने अपने इस पोस्ट में दो मुंह वाले एक सांप का वीडियो अपलोड किया है। देखते ही देखते यह आग की तरह फैल रहा है। बता दें, अभी तक दो मुंह वाले सांप केवल फिल्मों में ही देखने को मिलते थे, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा सांप देखने के बाद लोगों को अपनी आंखों पर से ही भरोसा उठ गया है। जी हाँ, दो मुंह वाला ये सांप वर्जीनिया के रिचमंड में बीते गुरुवार को पाया गया है। सांप का परीक्षण करने वाले जेडी लियोफर ने फेसबुक पर लिखा कि ऐसे सांप बेहद कम मिलते हैं क्योंकि ये ज्यादा दिन नहीं जी पाते। दो सिरों के साथ जीना काफी मुश्किल होता है, इसलिए यह दुनिया में एक अनूठी खोज मानी जा रही है। इससे पहले जंगलों में दो सिर वाले सांप शायद ही कभी देखे गए हैं। जेडी लियोफर कहते हैं, यह वाकई असाधारण व दुर्लभ खोज है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, लियोफर पिछले 3 दशकों से सांपों पर अध्ययन कर रहे हैं। कई स्थानीय सांप विशेषज्ञों की तरह उन्होंने अपने कैरियर में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। उन्होंने कहा, यह एक रिंगलिंग ब्रदर्स और बर्नम और बेली सर्कस की तरह है। सांप को देखने के बाद विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया है कि यह लगभग 6 से 8 इंच लंबा था और लगभग 2 या 3 सप्ताह का हो सकता है। लियोफर ने कहा, तथ्य यह है कि यह भी युवा था। यह असाधारण रूप से दुर्लभ खोज बना जंगली में कुछ और दिन, उन्होंने कहा, और शायद यह खाया गया होगा। विशेषज्ञों ने कहा कि दो सिर वाला ये सांप ठीक वैसे है जैसे मानव श्रेणी में जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। विशेषज्ञ ने यह भी कहा कि दो सिर वाले सांप को अलग करना संभव है। 2 हफ्ते पहले पैदा हुए इस सांप की खोज की कहानी लगभग 1 सप्ताह पहले ही सामने आई है। उन्होंने बताया कि वुडब्रिज में एक महिला अपने घर से बाहर आ रही थी, तब उसने अपने फूलदान में इस सांप देखा था। उसी ने इस सांप का वीडियो बनाया था।